कोरोना काल में बहुजन समाज के डॉक्टर्स हो रहे हैं जातिवाद का शिकार। प्रशासन के भेदभावपूर्ण रवैये से लोगों को हो रही है स्वास्थ्य सेवाओं में असुविधा। हाल ही में मीरावंत हॉस्पिटल गोंदिया के संदर्भ में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें शव देने के विलंब मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया गया था। लेकिन द थिंग की जांच के बाद एक नया खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि संपूर्ण घटना को अब एक नया मोड़ आ चुका है। मृतक व्यक्ति जितेंद्र शेंडे और उनके परिवार का संदर्भ देकर मीरावंत हॉस्पिटल के कोविड सेंटर की मान्यता रद्द की गई थी। अब उसी परिवार ने मीरावंत हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजेंद्र वैद्य इनके समर्थन में एक बयान जारी किया है। तबियत दोन तीन दिवस पूर्व घरी खराब झाली होती, घरी पण तब्येत जास्तीच खराब झाली तर डॉक्टर वैद्यकडे गोंदियामध्ये आम्ही नेलू होतो। रात्रीचे 10:30 सरांकडे नेलू, सरांना ॲडमिट वगैरे घेतला आणि पैसे 25,000 रुपये घेतला होता आणि त्यानं दवाई दारू वगैरे सगळा सुरू केला सरांना। त्याच्यानंतर म्हणे तब्येत बी थोडी चांगली होत आली होती आणि त्याच्यानंतर मग आणखी आम्ही 25,000 रुपये दिलू। तर मग थोडीशी तब्येत याने खराबच होत आली आणि मग कसा ते काही राहिले नाही, पण त्याच्या जो सब देवाची जी वेळ आली तेव्हा ते थोडीशी लोकांच्या असा जमावमुळे या अशा गर्दीमुळे ते सब देण्यामध्ये थोडासा विलंब झाला होता। पण मग आम्हाला माझ्या कसा कोणी असे म्हणला, आम्ही तर अलगच बसले होतो पण आम्हाला म्हणला कोणी ना की तुम्ही असे म्हणा तसे म्हणा, तुम्ही असे करा तसे करा, तर मग आपण त्याच्याच म्हणजे इथले आम्हाला काही सुजत नव्हता तर आम्ही त्याने जसे म्हणला तसेच आम्ही बी म्हणलो आणि आम्ही केलो। शेंडे आहेत माझे पप्पा जितेंद्र नारायण शेंडे, याची तब्येत खराब असल्यामुळे आपण त्यांना 13 तारीखला रात्री 10 डॉक्टर राजेंद्र वैद्य यांच्याकडे मीरावंत हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केला। त्याच्यानंतर 3 दिवसानंतर आपण त्याने ट्रीटमेंट चालू केला, ट्रीटमेंट बरा होतो चालला। मग त्याच्यानंतर आपल्याला माहीत झालं की पप्पा नाही राहिले म्हणून, डेथ झाली म्हणून, मग आपण आपल्या हाऊसमध्येच नाही होतो सांगितलं होता, तर ते आता आपण तेव्हा आपल्या हाऊसमध्ये नाही होतो, तर ते पोस्ट आपण पॉझिटिव्ह होतो म्हणून आपण हे नाही केलं। आता आपल्याला डॉक्टरसोबत काही तक्रार नाही आहे, आपल्याला डॉक्टरसोबत आता काही तक्रार वगैरे नाही आहे, तेव्हा पण नव्हती आता पण नाही आहे। माझी तर अशी इच्छा आहे की डॉक्टर साहेबचा दवाखाना चालू राहिला पाहिजे, डॉक्टर साहब संग आम्हाला कोणतीही तक्रार नसे। आपको इस संदर्भ में एक और जानकारी दे दे की पहले भी मीरावंत हॉस्पिटल पर कुछ असामाजिक और जातिवादी तत्वों ने हमला किया था और स्टाफ को मारपीट भी की थी। इस संदर्भ में कोर्ट के अंदर सुनवाई भी चल रही है। जातिवादी और मनुवादी पार्टी के राजनेता मीरावंत हॉस्पिटल की बदनामी में लगे होने की चर्चाएं भी आम होती जा रही है। इस मामले पर मीरावंत हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजेंद्र वैद्य इनका कहना है कि दिन ब दिन बढ़े मेरे हॉस्पिटल खिलाफ में प्रशासन में दिन ब दिन कंप्लेंट किया जाता है कि हॉस्पिटल बंद कर दिया जाए, हॉस्पिटल रद्द किया जाए, इसकी मान्यता रद्द किया जाए। कोई सेंटर बंद तो कर दिया हो रहे, साथ में मेरी जो डिग्री है उसको भी बंद करने के भी दिन ब दिन हो रहे, राजनीतिक पार्टी की तरफ से हो रहे, कलेक्टर साहब पे और प्रशासन साहब पे हो रहे, इस पर दिन ब दिन प्रेशर जा रहा है। SP साहब के ऊपर भी कई कंप्लेंट उन्होंने मुझे लगाया है। मेरा हॉस्पिटल 2019 में स्टार्ट हुआ है, 2019 से लेकर 2020 कोविड के समय में भी और अभी 2021 में भी कोविड के समय में 23 तारीख तक मेरे पर कोई कंप्लेंट नहीं थी। 23 तारीख के बाद में मेरे ऊपर है कंप्लेंट में शुरू हो गई है। किसी राजनीति योजना के तहत मुझे इसमें फंसाया जा रहा है। जो भी पेशेंट था जितेंद्र शेंडे, जो 13 तारीख को मेरे पास में जो भर्ती हुए थे, 13 अप्रैल को भर्ती हुए थे, उनके 13 तारीख जो भर्ती हुए थे
वो काफ़ी 5-6 दिन से वो ये पेशेंट बीमार था। 13 तारीख को रात को 10:30 बजे पेशेंट मेरे पास में ला गया। उसका ऑक्सीजन काफ़ी उसमें कम था, सिर्फ मात्र 70% का ऑक्सीजन मैंने उसमें पाया गया। उनका एच आई सी टी रिपोर्ट सिर्फ 17% था। मैं उनके परिजन से बात किया तो उन्होंने कहा कि जो पेशेंट है काफ़ी दिन से बीमार चल रहा था, और जो उनको बस उन्होंने उस समय में उनको सुझाव भी दिया कि आपके पेशेंट की तबीयत काफ़ी ख़राब है, पेशेंट के ट्रीटमेंट दौरान पेशेंट की जान भी जा सकती है, और यहाँ से सुधार मिल भी सकता है नहीं मिल सकता है, और आप चाहे तो आप दूसरी जगह पेशेंट को रेफर भी कर सकते हैं। परिजन ने कहा कि डॉक्टर साहब हमारे पास में अभी पैसे भी उतना नहीं हो और हमारे पास इतनी क्षमता भी नहीं, हम आगे रेफर कर सकते हैं। आप पेशेंट का जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आप यह ट्रीटमेंट कर दीजिए। उन्होंने मुझे अनुमति दी, उसके बाद मैंने पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू किया है। पेशेंट जो भी था काफ़ी गंभीर हालत में था, तो पेशेंट को मैं दिनांक 13 तारीख, दिनांक 14, दिनांक 15, 16, 17 ऐसे 5 दिन मेरे पास में पेशेंट वेंटिलेटर पर रहा। पेशेंट को जो भी कोविड की जो गाइडलाइंस है ICMR की, उसके अनुसार मैं जो जो ट्रीटमेंट बनता है पूरा ट्रीटमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा थेरेपी से लेकर एडालिजुमाब जो इम्यूजेनिक इंजेक्शन वगैरह है, प्लस रेमडेसिविर है, तो जो इंजेक्शन वगैरह है मैं पूरे इंजेक्शन उसमें कहा, मैं कहते ही इसमें कम कतई मैंने उसमें कोई भी विलम्ब या कोई भी ऐसी प्रकार के नहीं किया जिससे मेरे मरीज को नुकसान पहुँचे। वो मेरा मरीज जब उसी स्थिति गंभीर हो रही थी, पेशेंट सीरियस हो रहा था, तो मैं बार बार उनके परिजन को कॉल करके स्वयं उनको अवगत कराते गया। दिनांक 17 तारीख को 5-6 दिन पेशेंट को दिनांक 17 तारीख को 11:30 के आजूबाजू में पेशेंट स्थिति काफ़ी जब गंभीर होती गई, तो मैं उनके परिजन को कॉल किया था कि आपके मरीज की स्थिति बहुत ही गंभीर है और पेशेंट को बहुत ही सीरियस है, प्लीज आप एक बार देखने आ जाइए। उसमें पेशेंट के रिलेटिव आ गए। मैं पेशेंट को फिर काफ़ी जो प्रयास करता है, पेशेंट को मैंने CPR दिया, पेशेंट को जो एट्रोपिन एडाइन है तो भी जिन आवश्यक वस्तु है जिससे पेशेंट की जान बचती है, उस पूरा मैंने काम किया। पेशेंट ने करीबन थोड़ी देर में बाद में फिर उसने दम तोड़ दिया। COVID-19 के गाइडलाइन के अनुसार मैंने नगर परिषद में कॉल किया, और जो बाइकर जी थे ड्राइवर एम्बुलेंस ड्राइवर उनको मैंने कॉल किया, उनकी जो कॉल लिस्ट मेरे मोबाइल में दर्ज है उनको मैंने कॉल किया कि आप शव है शव को आप लेके जाइए, जो भी फॉर्मेलिटी करके फॉर्मेलिटी करके आप लेके जाइए। पेशेंट के रिलेटिव का मुझे कॉल है कि हमें पेशेंट के जो रिलेटिव हैं उन्हें एक बार भी देखा, उनके जो पुत्र है लड़की हो रहे हैं और उनकी पत्नी है उन्हें पेशेंट को एक बार भी नहीं देखा, उन्होंने पेशेंट को देखने की जिद की। मैंने बोल दिया कि जो गाइडलाइन है गाइडलाइन के अनुसार ऐसे ओपन में देखने के लिए या फिर सार्वजनिक रूप में देखने के लिए ये बिल्कुल लॉ के खिलाफ है, तो आप अगर आपको देखना चाहते हैं तो आप पार्वती घाट चले जाइए, वहाँ जहाँ अंतिम संस्कार होगा वहाँ शायद आपको ये दिखा दें। उस समय वहाँ से काफ़ी भीड़ आए पेशेंट के साथ में, जो इस पर बहस हुई उन्होंने बहस किया कि नहीं हमें पेशेंट देखना ही है, हमें पेशेंट को हमको यहाँ देखना है, हमें देखना है, जीत कर दी उन्होंने, और इसलिए उनके साथ में काफ़ी भीड़ आई। मेरी छोटी सी केबिन में करीबन 20-25 लोग आए जिनको फिर अर्जी थी कि हमें पेशेंट देखना, हमें बॉडी देखना है, मैंने मना कर दिया, फिर भी उन्होंने मेरे साथ में बातों से उन्होंने बदतमीजी की, किसी ने मुझे मेरे साथ बुरा व्यवहार किया और मुझे और मेरे स्टाफ को भी थोड़े धमकाने लगे, इसलिए हम सब लोग डर गए। इसके साथ में और बाद में भीड़ बढ़ती गई, बातें बढ़ती गई, भीड़ बढ़ती गई, इसकी वजह से फिर जो पेशेंट को जो हमने एम्बुलेंस वाले जो कॉल किए थे वो बेचारा आने की कॉल आने के बावजूद भी काफ़ी देर तक वो खड़ा रहा। इसके साथ में जो दूसरे इसी पेशेंट के साथ में एक डोंगरवार माले डोंगरवार उस पेशेंट की भी मृत्यु हो गई थी थोड़ी देर के बाद में, तो हमने उस बॉडी को नगर परिषद को एडो कर दिया, और इसकी वजह से इस पेशेंट को काफ़ी जो भीड़ भाड़ है इसकी वजह से पेशेंट को शव लेके जाने के लिए विलम्ब हुआ है। जो पॉलिटिशियन लोग हैं और कुछ लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करके वगैरह मेरे हॉस्पिटल को बदनाम करना चाहते हैं, या मेरे जो लाइसेंस वगैरह है और मेरी डिग्री है इसके ऊपर जो गलत आरोप जो लगा रहे हैं, ये सिर्फ अपने पॉलिटिशियन हेतु राजकारण हेतु और मुझसे कुछ अपना है बदला लेने के लिए कर रहे हैं। मुझे उनसे नम्र निवेदन है कि अभी जो ये COVID-19 का जो चल रहा है दौर चल रहा है इसमें सभी लोग दुखी, काफ़ी लोग की मौत हो चुकी है, काफ़ी लोग पैसे से और काफ़ी लोग सबका मानसिक शारीरिक तरह से शोषण हुआ है। इसमें एक ऊपर ऊपर प्रत्यारोपण ना करती हुए किसी को गलत सही ना ठहराती हो रहे हम जो COVID-19 है इसकी जो इसको फेस करते हुए इससे आगे बढ़े, इससे छुटकारा पाए, ना कि ऊपर में इसका पॉलिटिशियन लोगों से अपना लाभ निकाले। जो भी मेरे ऊपर जो संडे क्षेत्र जो बना गया है या जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये पूरी तरह से अपना राजनीतिक फायदा निकालने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए और अपनों अपना हेतु साधने के लिए मेरे ऊपर में सब उन्होंने जो है जाल बिछाया है और इतना बड़ा संडे क्षेत्र उन्होंने बनाया गया है।
और आपको सेम है, अगर इसकी अगर आपको इसे तथ्य जानना है तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक बार और ना मुझे बोलते हुए, ना किसी मीडिया से, ना प्रशासन बोलते हुए, आप एक बार उनके जो परिजन है आप उनसे जाके रूबरू हो जाइए। अगर मैं गलत हो रहा हूँ तो मुझे शासन से मैं निवेदन हूँ कि मैं भी बाबा साहेब का आप पुत्र हूँ, मैं उनको उनके जो कायदा है और प्रशासन है मैं इनका तहे दिल से हो रहे हैं, मैं इनको मानता हूँ रहे। अगर मेरे को गलती होंगी तो जो शासन हो रहे हैं उनके नियम से अनुसार जो भी अगर कार्रवाई होती है तो उसको मैं फेस करने को तैयार हो रहा हूँ, और जवाबदारी और जो भी मुझे दंड देंगे या जो भी मुझ पर वही कार्रवाई करेंगे उसके लिए मैं आगे जाने के लिए तत्पर हूँ। मगर ये जो राजनीति से प्रेषित होकर जो भी मेरे ऊपर में आरोप कर रहे हैं या जो मुझे यहाँ से जो खत्म करने की उनका जो तरीका है या मुझे यहाँ से मेरे हॉस्पिटल और मुझे जो बवाल करने का तरीका है ये पूरी तरह गलत है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप मुझे सही या गलत जांच पड़ताल करके मुझे न्याय दीजिए। धन्यवाद। कोरोना काल में मेडिकल सुविधाओं की कमी देश के अंदर आम बात रही। उसी बीच मीरावंत कोविड सेंटर को बेबुनियाद कारण देकर बंद करवाना प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया है, या फिर स्थानिक राजनेताओं की राजनीतिक रंजिश, या फिर जातिवादी मानसिकता है, यह कहा नहीं जा सकता। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।